बिहार के 40 विधायक बुरी तरह फंसे। संपत्ति का गलत ब्यौरा देना पड़ा विधायकों को भारी। विधायकों ने 20-20 करोड़ तक की संपत्ति छिपाए। अब देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बिहार के 40 विधायकों को अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा देना भारी पड़ गया। इन विधायकों ने अपनी बेशुमार दौलत को छिपाकर अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया। विधायकों की संपत्ति के लुका छिपी के खेल को अब आयकर विभाग ने पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 विधायकों में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया है। इनमें 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में काफी गड़बड़ी मिली है। कुछ की गड़बड़ी हलफनामे में दर्शाई गई संपत्ति से 20 करोड़ तक अधिक है, तो कुछ की 10 करोड़ अधिक मिली है। इनमें जेडीयू, भाजपा, राजद, हम, कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टी के विधायक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि संपत्ति के गलत ब्यौरे देने में बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल है, तो कुछ वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। आयकर विभाग ने चुनाव जीते हुए सभी विधायकों के संपत्ति की जांच करके इसकी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है। इसमें संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले 40 विधायकों के नाम शामिल हैं। हालांकि एक दो चुनाव हारे हुए यानी बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि का भी जिक्र है, और वो इसलिए है क्योंकि उनके पास घोषित संपत्ति के ब्यौरे से बहुत ज्यादा गड़बड़ी मिली है। इन पर अंतिम रूप से कार्रवाई करने के लिए आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग को देना है। आयोग से आदेश मिलने के बाद अगले चरण की कार्रवाई आयकर विभाग करेगी। इतने बड़े घालमेल के बाद अब वास्तविक संपत्ति को छिपाकर या कम दिखाकर ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने के आरोप में इन जनप्रतिनिधियों को मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वालों में कई बाहुबली विधायक भी शामिल हैं। हालांकि आयकर विभाग इनसे जुर्माना वसूलने के लिए कभी भी शिकंजा कस सकता है। मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह के पास हलफनामा में जिक्र की गई संपत्ति की जांच में करीब 20 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति मिली है। इसी तरह पूर्व सीएम सह हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की संपत्ति में भी गड़बड़ी पाई गई है, मगर उन्होंने इसकी एवज में जुर्माना देने की पहल करते हुए इसमें सुधार की बात कही है। इसी तरह गया के बेलागंज से विधायक सुरेंद्र प्रताप यादव, दानापुर विधायक रीतलाल यादव, नवादा से चुनाव लड़े कौशल यादव समेत कई अन्य के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इन विधायकों ने हलफनामा में जिन संपत्तियों का जिक्र किया है उसमें कई स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके चलते जांच में ये पकड़े गए। एक तो इनके पास वास्तविक रूप से चल और अचल संपत्ति जितनी है उससे कम कर दिखा दी है, यानी कुल संपत्ति को छिपा लिया है। कुछ ने संपत्ति का वास्तविक मूल्य काफी कम करके बताया है। ऐसे ही एक विधायक ने पटना के एक बेहद पॉश इलाके में मौजूद अपनी संपत्ति को महज कुछ लाख का बताया, जबकि हकीकत में इसकी कीमत करोड़ों में है। बैंक में जमा कैश और अन्य संपत्ति का ब्यौरा भी कम करके दिखा दिया गया। ITR जितने रुपए का दायर करते हैं उससे भी कम करके संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया। कुछ विधायकों ने तो पत्नी और बच्चे के नाम दर्ज संपत्ति का जिक्र तक नहीं किया। अब वैसे तमाम विधायकों पर आयकर विभाग अपना शिकंजा कस सकती है। वैसे आयकर विभाग ने संपत्ति के ब्यौरे में गड़बड़ करने वाले सभी विधायकों के संपत्ति की जांच कर केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजकर
कार्रवाई की अनुशंसा के इंतजार में हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही आयकर विभाग की तलवार इन विधायकों पर लटकने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव, पटना।